इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें खबर है आपके फेवरेट एक्टर की, वही एक्टर जो पिछले 25 दिनों से गायब थे। एक्टर के गायब होने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, लेकिन अब इनके लौटने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। आपकी स्क्रीन पर यह जो तस्वीर नजर आ रही है, इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह के बारे में। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि गुरुचरण सिंह वापस अपने घर लौट आए हैं। कई दिनों तक गायब रहने के बाद गुरुचरण कल यानी कि 17 मई को खुद ही अपने घर वापस लौट आए हैं। गुरुचरण के घर वापस आने के बाद उनके परिवार वाले काफी खुश हैं। साथ ही ये खबर जब मीडिया में फैली तो उनके चाहने वाले और उनके टीवी सीरियल वाले दोस्त भी काफी खुश हो गए। इसके बाद बारी थी पुलिस की। पुलिस ने गुरुचरण से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान गुरुचरण ने पुलिस को जो जानकारी दी उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस की पूछताछ में गुरुचरण सिंह ने खुलासा किया कि वो सब कुछ छोड़कर धार्मिक यात्रा पर निकल गए थे। गुरुचरण के मुताबिक वो धार्मिक यात्रा पर दुनियादारी छोड़कर घर से निकले थे। इस दौरान वो अमृतसर, लुधियाना जैसे कई शहरों में गुरुद्वारों में रुके, लेकिन आखिरी में उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें वापस अपने घर लौट जाना चाहिए, तो वो अपने पिता के घर वापस लौट आए। गुरुचरण के लौटने के बाद उनकी फैमिली अब राहत की सांस ले रही है, क्योंकि गुरुचरण 22 अप्रैल की शाम को दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन कुछ देर बाद ही उनका फ़ोन बंद आने लगा और वो मुंबई भी नहीं पहुंचे। इसके बाद 26 अप्रैल को गुरुचरण के पिता ने पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया और जाँच में जुट गई, लेकिन 25 दिनों के बाद भी गुरुचरण पुलिस के हाथ नहीं लगे, जो कि पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है। लेकिन राहत की बात यह है कि गुरुचरण सिंह के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है, बल्कि वो खुद ही धार्मिक यात्रा पर निकले थे और इन यात्राओं को पूरा कर वो अपने परिवार के पास वापस लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।